डायल 100 में आज बात सबसे पहले घूसखोरी की उस चरम सीमा की, जिसमें रेलवे की एक अधिकारी ने अपने बड़े अधिकारी की बेटी की शादी के लिए अपने मातहतों पर वो दबाव डाला कि पूरा खेल बिगड़ गया। और अब करीब 5 महीने बाद पूरे प्रकरण का ऐसा खुलासा हुआ कि रेलवे अधिकारियों की कार्रवाइयों पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं। एक अधिकारी कहता है कि उसे घूसखोरी के लिए इतना प्रताड़ित किया गया कि वह मजबूर हो गया और फिर उस पीड़ित ने फोड़ा उस बातचीत का बम, जिसके बाद अब रेल विभाग में हड़कंप मच गया है। कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर के जीएम की बेटी की शादी थी और फिर उस शादी में उपहार देने के नाम पर रेलवे के हर अधिकारी को 50,000 रुपयों का टारगेट दिया गया था। बड़े अफसरों ने इस टारगेट को पूरा करने के लिए इतनी जीतोड़ मेहनत की जितनी शायद वे रेलवे का राजस्व बढ़ाने के लिए भी नहीं करते होंगे। दरअसल अब इस पूरे प्रकरण में रेलवे अस्पताल के पूर्व सीएमएस डॉक्टर अनिल गुप्ता ने एक बड़ा खुलासा कर रेलवे अधिकारियों की नींद हराम कर दी। गुप्ता ने पूर्व डीआरएम अर्चना जोशी और खुद के बीच वो रिकॉर्डिंग वायरल की है जो फरवरी में रिकॉर्ड की गई थी। चलिए जरा आप भी सुन लीजिए कि उस समय डीआरएम अर्चना जोशी ने एक सीएमएस पर किस तरह दबाव बनाया था कि जीएम साहब की बेटी की शादी में उन्हें क्या करना है। मैडम, आई हैव टिल नाउ मैंने आपका जो भी आज्ञा है सब मानी है, वो आपने उसका भी मेरी बात सुनी है। 5.25 लाख मैंने सबको करके बेस्ट मैक्सिमम दिया, फिर उसके बाद डिनर भी हमने कराया 50,000 का। अभी कोई तैयार नहीं है मैडम, मैंने सबसे बात कर ली। नहीं वो ठीक है मैम, लेकिन अभी कोई करने को तैयार नहीं है। मैं सैलरी में से नहीं दे सकता। आई कांट गिव, नहीं मैम ठीक है आप जो भी है। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, कंट्रीब्यूशन हम देंगे मैम, कंट्रीब्यूशन जो भी है हम कंट्रीब्यूशन देंगे, बट मैं आई कांट स्पेंड 50,000 मैडम प्लीज, मैं 50,000 नहीं दे सकता। नहीं कंट्रीब्यूशन हम दे देंगे, कंट्रीब्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग। एंड वो मैम देखिए मैम, मैं बहुत वो हो गया आप, मतलब मैं कितना बहुत ज़्यादा मैम देखिए आपको, नहीं नहीं ठीक है मेरे, नहीं नहीं वो ठीक है मैम, जितनी इज्जत आप दे रही हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो नहीं वो ठीक है मैम, मैम नहीं मैं मैडम मैं यू आप जो भी करना चाहें करें, लेकिन मैं मेरे को देने को कोई तैयार नहीं है। मैंने कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट से बात कर ली, मैंने जायसवाल से बात कर ली, मैंने सबसे बात कर ली, मैं नहीं करता। आई कैन नॉट डू मैम, I cannot do, I have told you yesterday, मैंने no contribute जो भी होगा जो हो जाए, that is a wish to give। अगर कोई invite करता है, अगर कोई invite करता है मैम तो हमारी जो इच्छा होगी हम देंगे, ऐसे जबरदस्ती नहीं हो सकता मैम। you are taking undue advantage of your post। I am 5 years elder to you and I am 84 batch UPSC। I don't care। हाँ you don't care, it's all right। You are DRM, मैं आपको प्रणाम। I don't मैं आपकी पूरी इच्छा, लेकिन आप जिस तरह से मेरे से बात कर रही हैं, मैं 50,000 रिश्वत नहीं दे सकता किसी को। नहीं रिश्वत ही मांग रही है मैम आप, थ्रू आउट यू आर आस्किंग फॉर रिश्वत। यस एवरी टाइम यू आर आस्किंग। उस समय हमने दिया, मेरे सारे डॉक्टर्स को बुरा बना के मैंने 5,25,000 आपको दिए, अभी मैंने 50,000 का डिनर करवाया उससे। मैम एवरी टाइम मैं नहीं कर सकता मैम, आप मेरे को ट्रांसफर कर दीजिए, मैं डीएम साहब से बात कर। आई कांट डू इट।
नहीं, मैं कंट्रीब्यूट कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे को बुलाएंगे अगर मैं जाऊंगा तो मैं आऊंगा नहीं. नो मैडम, प्लीज आई एम वेरी सॉरी, दिस इज ओनली आस्किंग ब्राइब. मैडम दिस इज आस्किंग ब्राइब. It is not a this is equivalent to bribe. It is not a question of giving bribe. This is just bribing. No, ma'am. आपने उसके लिए लिया, आप undue pressure करती जा रही हैं. I am 4 years, 5 years elder to you. I am 84. But you need not to respect in your. I am respecting you. I am respecting you. I am respecting you. I am not asking, but I can't. I can't give money. I can't give money, madam. I can't have. I don't have. I am under pressure. मेरे को सबने मना कर दिया. मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सबके जा के, भाई आप कर सकते हैं तो करें. वो कह रहे हैं आपके भिखारी हो. एवरी टाइम एवरी वन इज सिंग. मैंने कल भी आपको कहा था मुझे डांट दिया. नहीं तो क्यों लेंगी आप मनी, क्यों लेंगी? एवरी वन इज वर्किंग फॉर हिज सैलरी. आई एम नॉट एबल टू, मैं नहीं कर पाऊंगा मैम. आई एम वेरी सॉरी. आई रिस्पेक्ट यू बट आई वॉन्ट बी एबल टू बिकॉज नो वन. आपने कहा था बात कर ले, मैं बात भी कर ली, सबसे बात कर ली. मैं नहीं कर रहा कोई. वो कहते हैं आपके बिल, कोटा हाट वाला कहता है कि उसका वो हो गया, उसका वो नहीं करा, जायसवाल का नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ, सबके बिल के पैसे काट रहे हैं, कैसे देगा कोई भी? तो मैंने करना है वो क्या? तो मैं आपका नहीं कह रहा हूँ मैम, लेकिन मेरे को कोई देगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे को कोई दे नहीं रहा. मैंने सबसे बात कर ली मैम. मैंने आपको हमेशा कहा है आई विल ट्राई माई बेस्ट. मैंने कभी मना नहीं करा और अभी भी मैंने ट्राई करा. मैं एक एक के पास गया हूँ, सबसे मैंने बात करी है. मतलब दुत्कार देते हैं मैम आप, कुछ तो करते नहीं हो. रेलवे वाले हर चीज में काटा पीटी करते रहते हो और हमारे से ऐसी उम्मीद करते हो आप. किस चीज से काटा पीटी? सब में करते हैं मैडम, हर बिल में काटा पीटी होती है, हर कोटा हार्ट जो, जो आपको मैडम हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है. जो अपने जायज से ही कम करा रहे हैं हम, 2006 की रेट पे करा रहे हैं मैम. आप देखें पूरे ऑल इंडिया में कहीं नहीं हो, बट दे हैव रिफ्यूज्ड मी मैम. आई एम पोलाइटली, वेरी पोलाइटली, हम्बली रिस्पेक्टिंग यू, मैं मना कर रहा हूँ आपको कि मैं नहीं कर पाऊंगा मैम. मैं नहीं कर पाऊंगा मैडम. मैं सैलरी में से भी नहीं कर पाऊंगा. नहीं, आई कांट डू इट. नहीं, वो ठीक है मैम, जैसा भी है, बट मैं आई एम एंड माय अकाउंट्स आर विद माय वाइफ. I can't take anything. No, ma'am. I can't give from my salary, ma'am. And आप बता दीजिए, contribute हम doctors कर देंगे सारा. Let it be open, हम कर देंगे. आप letter निकाल दीजिए, contribute हम. फिर मैं क्यों करूँ? Ma'am, you are asking bribe. Don't give me this. No, you are asking bribe, ma'am. You are asking bribe. Every time you are asking for bribe. एवरी टाइम आपने 5.25 लाख लिए हमसे, लोगों किसी के लिए लिए? आई डोंट कीप रिकॉर्ड. एवरी टाइम यू आर इंसल्टिंग मी मैम. एवरी टाइम यू आर इंसल्टिंग मी इन फ्रंट ऑफ एवरी वन. आई एम 80 मैडम. मैं नहीं, आई एम. हाँ ठीक है, मत बोले ना. तो एवरी थिंग वॉट हैज बीन डन इन द हॉस्पिटल सब जानते हैं मैम. नॉट अ सिंगल का नहीं. अरे तो जो काम नहीं करना चाहता मैम, वो सब ऐसा कहते हैं. ऐसा मैं आपसे कौन बात करना चाहता मैम. मैं कुछ भी नहीं करता. आई डोंट डू एनीथिंग. आई डू माय वर्क बट आई एम नॉट रेडी टू गिव द प्राइस. दैट इज आई वोंट गिव. नहीं, ओके तो डू इट बट डोंट हैरेस मी. बट मैडम मेरे को अपना काम. अभी आप जो कह रही हैं कि इसको लाके दो आप, बिल्कुल मैं हर एक के पास हुआ है बट कोई देने को तैयार नहीं है. मैं अपनी सैलरी में से सैलरी में से नहीं दे सकता मैम. आई कांट गिव. हाँ तो ठीक है ना मैम, हम सैलरी में से नहीं दे सकते. आई कांट गिव. जो हम जाएंगे तो हम दे देंगे जो भी है. कार्ड आया नहीं गए आपने, आपने मना कर दिया था. ठीक है, I gave on the behalf of the total division. You were included in that, in along with the entire hospital. Madam, seat तक तो देते नहीं है बैठने के लिए आप लोग हमें. वो आप चौथी रोम में बैठते हैं हम. You are no great person. No, no great person की बात नहीं है मैम. I am a SAG officer with 84 years, 84 के बैच का हूँ. Whenever you were given a thing, you will be given. It was not given. Where मेरी वाइफ आएगी तो वो पीछे बैठेगी क्लास 4 के साथ. Huh?
हुआ मैडम, मैंने सीएसडी को बिठाया, सीएसडी जूनियर टू मी, और उसके बाद मेरे पास सीट नहीं है। मैं कुछ नहीं, तो मैं एसएजी, व्हेन आई एम नॉट ट्रीटेड एज एसएजी, नो व्हेन आई एम नॉट एसएजी, इवन आई वाज नॉट काउंटेड एज एसएजी, व्हाई एसएजी एग्जिस्ट फॉर मी, आई एम अ ब्रांच ऑफिसर, आई एम अ ब्रांच ऑफिसर नो मैडम, हमारे आपको बता दें कि डॉक्टर गुप्ता जब यह पैसा देने में असमर्थता जताते हैं तो डीआरएम उन्हें तनख्वाह से पैसा देने को कहती है। डीआरएम जोशी मंगलवार को ही रिलीव हुई है, वहीं उनके कार्यकाल के अंतिम दिन सोमवार को डॉक्टर गुप्ता का भी जबलपुर तबादला हो गया। बहरहाल हार्ट में तकलीफ होने से डॉक्टर गुप्ता तलवंडी के एक निजी अस्पताल में एडमिट है। कार्डियोलॉजिस्ट ने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है। उन्होंने जीएम को एसएमएस भेज पूरे मामले से अवगत कराया है। वाकई बड़े अधिकारियों की बड़े खेल, शायद यही है हमारी भारतीय रेल। फर्स्ट इंडिया के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। वाकई इस रेलवे की एक अधिकारी और डॉक्टर के बीच हुई इस बातचीत को सुन लगता तो यही है कि खेल नया नहीं, लेकिन सवाल यह भी है कि करीब 5 महीने गुजरने के बाद यह ऑडियो बम क्यों फूटा। लेकिन सवाल यह भी है कि जीएम की बेटी की शादी के नाम पर वसूली का खेल आखिर किसकी शह पर खेला गया। बहरहाल अब यह प्रकरण जांच विंग के सुपुर्द कर दिया गया है। चलिए अब आपको सुनाते हैं डॉक्टर गुप्ता से सीधी वो बातचीत जो मेरे सहयोगी शाकिर अली ने उनसे की। वाकई कोटा रेल मंडल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनिल गुप्ता ने आरोप लगाया है कि डीआरएम उनसे जो है वसूली के नाम पर पैसे मांग रही थी, जीएम की बेटी की शादी के नाम पर उनसे पैसा मांगा जा रहा था, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। एक ऑडियो वायरल किया गया है जिसमें डीआरएम की आवाज़ है और जो डॉक्टर जिन्होंने आरोप लगाया उनकी आवाज़ है। इस वक्त हमारे साथ जिन्होंने आरोप लगाया अनिल गुप्ता, उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह का आरोप है और कितनी क्या इनका दावा है इस ऑडियो को लेकर के। जैसा मैंने आपको बताया, मैं बिल्कुल प्रताड़ित हो चुका था शुरू से। वो मांग किसी ना किसी नाम पे मांग करती थी, और हम क्योंकि तनख्वाह वाले लोग हैं, हम अपने पास से नहीं दे सकते, तो हमें भीख मांगनी पड़ती थी दूसरों लोगों से जा करके, जो हमारे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं उनसे हैं। वो मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं नहीं कर पाता था। पहले भी हमने किया था जब सारे डॉक्टरों को बुरा लगा के और सारे अस्पतालों ने कोई खुशी से पैसे नहीं देता। उन्होंने हमने 5,25,000 रुपये करके उनको चंदा दिया, ठीक है, वो WWO के नाम पे था और उनकी रसीद है, चेक से पेमेंट हुआ था। उसके बाद लगातार ये मांग करती रही, सफाई अभियान के नाम पर इन्होंने मेरे से डस्टबिन लिए जो हमने चंदा करके दिए। फिर इन्होंने जो मांग करी जीएम साहब की लड़की की दूसरी शादी थी उनका नाम लेकर के, इन्होंने टारगेट दिया था मेरे को 15 दिन पहले कि आपके पास भी कार्ड आया, आपको इसमें 20 तोला सोना देना है। भोपाल डिवीजन ने हीरों का सेट दिया है, जबलपुर डिवीजन ने इतना दिया है, हमने इतना देना है हमें। तो मैं चुपचाप रहा, ये लगातार प्रताड़ित करती रही, टारगेट डेट दी थी इन्होंने, उस डेट को इन्होंने मुझे फ़ोन किया हॉस्पिटल में, फ़ोन करके इन्होंने बहुत ही बुरी तरह से प्रताड़ित करके बुलाया, कुत्तों की तरह से बात करती थी। ये नहीं करी, जीएम साहब बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, जीएम साहब के चेहरे पे सज्जनता विराजती है, उनको हम प्रणाम करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, परंतु उनके नाम पर दूसरा वसूली कर रहा था, ये बात बिल्कुल सच्ची। तो डॉक्टर अनिल गुप्ता का साफ तौर पर डीआरएम पर आरोप है कि जीएम की तरफ से कोई मांग नहीं की गई थी, वो अपने स्तर पर ही इनसे 50,000 रुपये मांग रही थी, पहले 20 तोला सोना मांगा गया था और उसके बाद बात 50,000 तक ठहरी थी। अब देखने वाली बात होगी कि रेलवे प्रशासन में ये जो वायरल जो ऑडियो हुआ है इस पर रेलवे क्या एक्शन लेता है और जो पीड़ित डॉक्टर है उसको क्या इंसाफ मिल पाता है। कोटा से फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली।